तो हेलो दोस्तों, मैं रोशन प्रजापति एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। ठीक है, तो जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि आपके क्लास का टाइमिंग कितने बजे से है, तो ट्वेल्थ वाले का टाइमिंग कितने बजे से, साढ़े सात बजे से सुबह में उनका क्लास होता है। आप लोग हमारे चैनल पर लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और एक बात कि आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला होने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जिसमें हम लोग 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जानेंगे, ठीक है, 2000 प्लस एमसीक्यूज़ को जानेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है, चैप्टर वाइज भी जानेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टोटल 2000 प्लस ही जानेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पूरे विषय का, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी का जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो। बहुत ही जल्द आपका ऑब्जेक्टिव का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें मैं VVI ऑब्जेक्टिव भी बताते चलता हूँ कौन सा आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो देखिए, दो मार्क्स के लिए, ठीक है, दो मार्क्स के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, टू मार्क्स में आपका पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो इसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। हाँ जी, कहता है, इसका डेफिनेशन पूछता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत को लिखें, तो देखिए आपको लिखना क्या, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेशों पर लगने वाला बल उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये तो लिखा हुआ है भाई, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि फिगर के अनुसार देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ नेट जो होगा, जो टोटल फोर्स होगा, यानी अध्यारोपण के अनुसार जो देखना, यहाँ पे जो Q1 पर जो बल लगेगा, जो देखें यहाँ पे पहले Q1 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो Q2 पर बल लग रहा है उसका बल क्या हो रहा है, F। यहाँ पे मेन फोर्स क्या है, Q1 और Q2 के बीच में बल का कितना लग रहा है, तो F21। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, जब Q1 और Q3 की ओर लगेगा तो देखिए यहाँ पे F31, इसको भी प्लस करेंगे। इसी तरह से Q1 और Q4 के लिए, तो इसका यहाँ पर लग रहा है बल F41, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह से N के लिए चलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया एफ नेट क्या हो जाएगा, F21 प्लस F, सभी का सदिश जोड़ना है। ठीक है, सदिश वेक्टर है, देखो यहाँ पे तीर का चिन्ह दिया हुआ, इसी तरह से N तक के लिए, उसको योग को हम लोग क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत निकल जाएगा। ठीक है, आपको लिखना क्या है, तो यही वाला आप लोग लिख दो, ये लिख दो, और फिर उसके बाद ये वाला जो मेन है ये वाला लिख दो, बस आपको दो नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र, हाँ जी, विद्युत क्षेत्र भी पूछ देता है कभी कभी कि विद्युत क्षेत्र क्या है। हाँ जी, तो लिखना है आपको, देखिए आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, लिखना है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण या विकर्षण का अनुभव हो तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि यह आवेश है, इसके बीच का चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे किसी एक और कोई आवेश को यहाँ पे ले जाएंगे, तो उसको क्या होगा, आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा, दो में से कोई एक काम होगा, या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नोट आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अब बात करते हैं परीक्षण आवेश के लिए। ठीक है, परीक्षण आवेश से सबसे पहले हम लोग स्रोत आवेश की ओर बात करते हैं, फिर परीक्षण आवेश की ओर बात करेंगे। तो स्रोत आवेश को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। तो वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। ठीक है, और वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग Q1 से Q2 से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन परीक्षण आवेश को प्रायः, ठीक है, अधिकतर किस में करते हैं, क्यू नोट में करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे अभी आज। तो कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ जी ये भी आपको दो नंबर में पूछे जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन रहेगा और आपको लिखना रहेगा, तो आपको बस यही लिख देना है, आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे जैसा कि स्क्रीन पर चल रहा है। तो ये लिखना क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। ये भी लिखना है जैसा लिखा हुआ है, नोट्स एकदम परफेक्ट नोट्स बना चुका है, बनाया जा चुका है, और इसी को आपको लिखना है। हाँ जी, तो लिखना ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाय क्यू नोट। ठीक है, ये हो जाएगा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का।
अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे या विद्युत क्षेत्र कहे तो आपको दोनों ही क्या करना है, एक सदिश राशि मारना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक कहे चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक कहे तो आपको क्या मारना है, न्यूटन प्रति कूलम्ब, ध्यान दीजिए न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। और बीमा की बात करें तो बीमा यहाँ पे देखिए बल का ऊपर में लिख दो और कूलम्ब का लिख दो और सबको एक साइड में लेकर चल जाओ ऊपर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा MLT^-3 और A^-1 होता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर से हो जाएगा विद्युत में किसी आवेश, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, देखो यहाँ से बल निकल जाएगा, यहाँ से बल निकल जाएगा, एफ बराबर क्यू को उधर भेज दो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, ठीक उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया गया है एफ बराबर क्यू इंटू ई। हाँ जी ध्यान रखना है आपको, अगर विद्युत क्षेत्र आवेश दिया रहे और विद्युत क्षेत्र दिया रहे और बल पूछे तो आसानी से आप लोग बना सकते हो, गुना कर देना आंसर आ जाएगा बल का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टाइप से। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी देखिए यहाँ पे दिखा होगा 5 न्यूटन प्रति कूलम्ब यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए SI यूनिट से आप लोग पता करिएगा और कहता है तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 3 कूलम्ब, ठीक है 3 कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल का परिणाम, देखिए बल अब पूछ रहा है। हाँ जी बल पूछना है, बल निकाल रहा है। देखिए यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है और कूलम्ब यानी आवेश दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया। और ज्ञात क्या करना है तो बल को ज्ञात करना है, यहाँ पे एफ बराबर वाट है। तो अभी हमने अभी फार्मूला जाना था, एफ बराबर फार्मूला था क्यू इंटू ई, तो इन दोनों को गुना कर दो तो 3×5=15 क्या हो जाएगा बल लगेगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही VVI ये वाला होने वाला है आपके लिए, ये टॉपिक बहुत ही VVI होने वाला है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहो, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के क्लास में, ठीक है। ऐसे ही क्लास में बताता रहूँगा, प्रत्येक क्लास में मैं बताते रहता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे केवल एक फ़ोटो बनाना है, यहाँ पे फोटो मैंने नहीं बनाया है। देखो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे लिखना है Q2, यहाँ पे लिखना है Q1 और यहाँ से इस तरह से लिख देना है R दूरी पर, बस यही बना देना है। और यहाँ पे बिंदु को दे देना किनारे पे, एकदम फॉर्मल साइड में बिंदु दे देना, यहाँ पे क्या होगा -2 और +2, ठीक है। कोई एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि विद्युत ध्रुव। अब इसी तरह से इसको बना देना है और फिर इसको लिख देना है जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है। तो लिखना है माना कि क्यू आवेश, ठीक है क्यू आवेश, ठीक है यहाँ पे रुक जाइए, माना कि क्यू कोई स्रोत आवेश है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे क्यू कोई स्रोत आवेश है, यहाँ पे क्यू कोई स्रोत आवेश है, वहाँ से आर दूरी पर यानी कि यहाँ से आर दूरी पर कोई क्यूनट है, ठीक है। आर दूरी पर क्या है, क्यूनट परीक्षण आवेश है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, हमें यहाँ पे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो किस तरह से निकालना है, तो सबसे पहले कूलाम्ब का नियम आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होगा जी। हाँ जी अगर नहीं याद किए तो उस वीडियो को देख करके याद कर सकते हो। एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, K×Q1×Q2/R², ठीक है। अब यहाँ पे Q1 का काम कौन कर रहा है, Q कर रहा है, और Q2 का काम कर रहा है Q0, तो बस उसी तरह से लिख देना है K Q Q0/R², लेट इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 मान के फिर चलते आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अभी हमने बताया था E बराबर फार्मूला होता है F/Q0, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q0, ठीक है। अब F बराबर अभी हमने जाना है यहाँ समीकरण 1 से, F बराबर आपको पता होगा, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E बराबर, क्योंकि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो E बराबर हमको ज्ञात करना है भाई, तो यहाँ पे भर देंगे K Q Q0, Q0 से Q0 खत्म हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, तो E बराबर KQ/R², ध्यान देना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बिंदु आवेश के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ जी इस समीकरण को याद रखो, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आवेश के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पकड़ में आएंगे। देखिए कुछ तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तीव्रता ज्ञात करने के लिए, आपको यहाँ पे 1 μC आवेश दे दिया है, से आर दूरी पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी आवेश दे चुका है आर दे दिया है और आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसा यूनिट में करना होगा, यहाँ माइक्रो कूलम है तो कूलम्ब में करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको कन्वर्ट कर दिया गया है, बस आपको E बराबर क्या होता है फॉर्मूला बिंदुवत आवेश के लिए, तो E बराबर होता है KQ/R², K का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 9×10^9 K का मान होता है, और यहाँ पे आपको
वन गुने दस के पावर माइनस सिक्स क्या है, आवेश दिया हुआ है और दूरी आपको पता है यहाँ पे देखिए 10^-1 मीटर। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। फिर आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9×10^3/10^-2। और अगर पूरा कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे देखो आंसर आ गया 9×10^5 न्यूटन। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, हर साल पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहता है एक स्थिर आवेश क्या एक स्थिर आवेश केवल एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई एक यहाँ पे स्थिर आवेश ये क्या उत्पन्न करेगा, तो ये केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन जब समरूप वेग से गतिशील आवेश की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है समरूप वेग से गतिशील। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है बस आज की अभी आज की क्लास के लिए नहीं। हाँ जी, तो अगला है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, देखने को मिलेगा आपको इस बार। कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की पहले बात कर लें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी काल्पनिक वक्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा वैसी काल्पनिक वक्र है जिनसे होकर कोई अकेला धन आवेश चल सकता है यदि वह चलने के लिए मुक्त हो। आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं का डिफिनेशन नहीं आएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का डिफिनेशन नहीं आएगा, ये फिगर भी आ सकता है। क्या आएगा मैं बताने वाला हूँ, देखिए ये फिगर आएगा, आपको क्वेश्चन में रहेगा कि प्लस का फिगर बताइए, तो अगर प्लस का रहे तो ये क्या होगा, किरण निकलेगा। ठीक है, याद ध्यान रखिए निकलेगा। अगर माइनस की बात रहे, अगर नेगेटिव चार्ज के, तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा इस तरह से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर बात करें प्लस और माइनस की, तो प्लस से निकलेगा और माइनस में चलेगा, लेकिन काटेगा नहीं एक दूसरे को, ध्यान देना। यहाँ पे देखना सारा पैरेलल है, कोई काट नहीं रहा है, यहाँ पे भी ध्यान देना कोई कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, फोटो बनाओगे तो एकदम फ्रेश बनाना। अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस की बात रहे, देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेगा, विकर्षण करेगा कुछ इस तरीके से, ऊपर की ओर जाएगा। यही अगर माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर होकर ना नीचे की ओर हो जाएगा, सारा नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी। हाँ जी, और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है इसका गुण। इसका गुण हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पूरा गुण को कम से कम 10 से 15 गुण को जानेंगे। और एक तो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के गुण से आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।